हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप सभी का दिन अच्छा जाए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, क्या वो आपके लिए एक्शन लेंगे। जिस पर्सन का आपको वेट है, ओके, आपको इंतज़ार है उनका, आपको वेट है कमिटमेंट का, प्रपोजल का या कम्युनिकेशन का, जिस भी चीज़ का आपको वेट है, क्या वो पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, देखते हैं। तो यह एक कलेक्टिव टाइम जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। ऑल साइंस रीडिंग है। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल अलाउ नहीं है। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ओके। सो चलिए इन पर फोकस कीजिए, इनके बारे में सोचिए, गौर से प्रे कीजिए कि वो आपको रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे। और हमेशा अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करें, जो आपका इंट्यूशन कहता है, क्योंकि यह एक जनरल रीडिंग होती है। तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है। नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, जनरल रीडिंग होती है। क्या ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, क्या है आपके पर्सन, जो भी आपके थॉट में है उनकी एनर्जी। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरियस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और जजमेंट, ओके। तो आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं। इनका फोकस इनके कैरियर पर है, इनके स्टेबल लाइफ पर है, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर है। इनका पूरा फोकस अभी बैलेंस्ड लाइफ पर है, ठीक है। फाइनेंसेस, कैरियर इनका फोकस इनमें है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको भी मिस कर रहे हैं साथ में ही। और इनके नज़र मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन थक चुके हैं अपने लाइफ से। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच फैमिली इशू आ रहा हो, कास्ट रिलेशन आ रहा हो, या तो आया है आप दोनों के बीच बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, या तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। हो सकता है कि ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, सही से आपको ट्रीट नहीं कर रहे हैं राइट नाउ, ऐसा हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आपको कुछ तो जस्टिस मिलने वाला है, आपको कुछ तो जजमेंट मिलने वाला है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, इट इज लियो सजिटेरियस, ओके। यहाँ पर आया है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन, अगर इनकी एनर्जी में देखूँ तो ये आपको चाहते तो हैं अपने लाइफ में, ठीक है, चाहते तो हैं, बट इनकी एनर्जी ये है कि अपने फैमिली को मना कर थक चुके हैं ये, ठीक है। मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये पर्सन ने कभी कोशिश नहीं की थी, या तो ये कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ओके, कोशिश कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच फैमिली इशू है, चल रही है, तो ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली मान जाए आप दोनों के बीच, सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाए। बट मुझे लग रहा है कि फैमिली नहीं मान रही, ठीक है, फैमिली नहीं मान रही, ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पर। और ये बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चांसेस है इनका फाइनेंशियल कंडीशन कुछ सही नहीं है, या तो इनका कुछ कर्म है, इनका कुछ कार्मिक सिचुएशन है जिसमें ये पर्सन फंसे हुए हैं वहाँ पर। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का लाइफ थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है, स्ट्रगल थोड़ा सा नहीं, मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, आया है, और ये अपनी लाइफ को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ ही आपको भी चाहते हैं, एक तरफ इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये पर्सन किसी को नाराज नहीं करना चाहते, ये इनकी एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, चाह रहे हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आपके लिए स्टैंड ले, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये पर्सन अभी आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं, या तो कुछ एक्शन लेंगे। गाइस, यहाँ पर टेन ऑफ वॉन्ड्स आया है, टू ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, ठीक है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है। और अगर फैमिली आ रही है, थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, तो ये वहाँ पर गिव अप नहीं करना चाहते, ओके। इनमें वो हिम्मत ही नहीं है कि ये पर्सन किसी के खिलाफ जा सके, आपके लिए स्टैंड ले सके, मुझे राइट नाउ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर फैमिली इशू भी चल रहा है, तो ये पर्सन थक चुके हैं उनको मना कर, इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ। जजमेंट का कारण मुझे ये बता रहे हैं कि ये पर्सन आपको चाहते तो हैं अपने लाइफ में, ठीक है, आने के लिए सोच भी रहे हैं और आपके लाइफ में, बट कहीं पर स्टक हैं, ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, इस सिचुएशन में हैं। मुझे लग रहा है इनको ना स्टैंड लेने की ज़रूरत है, बट ये नहीं ले पा रहे हैं, इस पर्सन को स्टैंड लेने की ज़रूरत है बट नहीं ले पा रहे हैं। ये डेविल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये आपसे,
भले ही आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ हो, मनमुटाव हुआ हो, ये पर्सन ही आपसे दूर चले गए, बट अभी भी ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं सेक्सुअली। ये पर्सन, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी है यहाँ पर, थर्ड पार्टी है, उनको भी नहीं छोड़ सकते, आपको भी नहीं छोड़ सकते, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, ओके, काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपके लिए, बट आप दोनों के बीच लोग तो हैं, ठीक है, काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोगों का इंटरफेयर है जो इस पर्सन को रोक रहा है, या तो आप दोनों के बीच आ रहा है या तो आ चुका है ऑलरेडी। कुछ लोग ने, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, और राइट नाउ ये पर्सन किसी चीज़ का एडिक्शन है इनको, या तो एल्कोहल ले रहे हैं, कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। और अगर आपके लिए देखूं तो ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपके करीब ये पर्सन आना चाहते हैं, तो एक न्यू शुरुआत कर सकते हैं आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ओके। जो पर्सन, मुझे लग रहा है ये पर्सन जैसे दिखाते ना, वैसा आपको ऐसे दिखाते हैं कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, इन्होंने तो मूव ऑन कर लिया है, या तो ये मूव ऑन करने ही जा रहे हैं, ठीक है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दोनों की बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, आपके आगे बढ़ने से इनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट इस पर्सन को फ़र्क पड़ता है, ठीक है, इस पर्सन को फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर लवर्स आए हैं, डेविल आया है, आपसे भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा डीप कनेक्शन फील करते हैं, ओके, आपको फील कर पाते हैं, आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन का, हो सकता है कि ये पर्सन आपकी ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, ओके, या तो ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बट आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, कास्ट रिलेशन है, फैमिली आ रही है, या तो कोई और पर्सन है, ओके, तो वहाँ पर शॉर्ट आउट करना होगा इस पर्सन को, इस पर्सन को स्टैंड लेना पड़ेगा, और आपके लिए इस पर्सन को अप्रोच करना होगा, ओके, इनमें ईगो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, अट्रैक्टेड हैं आपसे, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कुछ तो प्लान कर रहे हैं। हेरोफेंट, ओके, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, इनको पता है कि आपके साथ सही नहीं हुआ है, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको सॉरी कहना चाहते हैं, ओके, भले ये पर्सन आपको नहीं दिखाते, भले इस पर्सन के हरकतों से आपको लगता हो कि ये तो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट इस पर्सन को फ़र्क पड़ता है, ओके, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, धोखा दिया, इन्होंने थर्ड पार्टी को लाया है आप दोनों के बीच, तो डेफिनेटली आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको सॉरी ज़रूर कहेंगे। आप दोनों के बीच मैरिज को लेकर कुछ इशू हो सकता है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिज है, इनकी लाइफ में कोई और है, या तो फैमिली चाहती है कि ये पर्सन कहीं और मैरिज कर ले, ओके, ऐसा हो सकता है, बट ये आपसे भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, एज अ फ्रेंड या किसी भी तरीके से हो, बट आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं ये। क्या ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे? सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आया है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, अगर आप दोनों के बीच ऑलरेडी कोई और पर्सन आ रहा है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिज है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। देखिए, इस पर्सन ने कुछ तो गलती किया है, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी को लाया है, या तो आपको धोखा दिया है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट पहुँचाया इस पर्सन ने, बट इस पर्सन को इनकी गलतियों का रियलाइज नहीं है। कुछ लोग के लिए मैं बता दूं, आपके पर्सन को अभी भी इनकी गलतियों का रियलाइज नहीं है। वैसे तो इनको पता है कि हाँ, गलती इनसे हुई है, बट ये मानने को तैयार नहीं है, ओके, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे। और कुछ लोग के लिए ये पर्सन रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए, स्टैंड लेने के लिए, मैरिज के लिए, ये पर्सन भाग रहे हैं आपसे, इस रिश्ते से, कमिटमेंट से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। हो सकता है कि इनका कैरियर सही नहीं चल रहा है, इनके पास अच्छी जॉब नहीं है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, या तो आप दोनों के बीच कास्ट, रिलीजन, बैकग्राउंड कुछ अलग है, कुछ तो अलग है, कुछ तो डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये पर्सन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, फैमिली नहीं मान रही, इस तरह का सिचुएशन है, ओके, जिस तरीके से आपको हर्ट पहुँचाया है, आपको पेन दिया है, आपके साथ विश्वासघात किया है, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, आपके भरोसा को तोड़ा इस पर्सन ने, उसका पछतावा है, ओके,
और कुछ लोग लिए इस पसंद को अभी भी रियलाइज होना बाकी है। ओके इनको पता है कि इनसे गलतियाँ हुई हैं, इन्होंने थर्ड पार्टी को लाया है, आपको धोखा दिया, आपको काफ़ी ज़्यादा पेन दिया है, बट इनको रियलाइज नहीं है। पेज ऑफ कप्स, तो कुछ लोग लिए मुझे लग रहा है कि पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आएंगे, बट आप क्वीन की एनर्जी में हो और ये एक पेज की एनर्जी में है। आप वो फ्रेंडशिप को ऑफर कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह का कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, बट अगर थर्ड पार्टी है और ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए इस पर्सन से, क्योंकि ये पेज की एनर्जी में है। आपको फ्रेंडशिप को ऑफर दे सकते हैं, बट आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ओके आपको अपने लाइफ में चाहते हैं, ये पर्सन भूले ही नहीं हैं। ये टॉप पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, इनका फोकस इनके कैरियर पर है, इनके स्टेबल लाइफ पर है। क्या इस पर्सन की एनर्जी, क्या ये आपके लिए एक्शन लेंगे? ये पर्सन से मिनाइल लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, एरिस लियो सैजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, स्पेशली टॉरस कैप्रिकॉर्न रिबेल। तो मैं कह सकती हूँ कुछ लोग लिए डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन को अभी भी रोक रहा है, थर्ड पार्टी है यहाँ पर, बट ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। ये पर्सन अगर अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, कुछ लोग लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपकी क्रश हो, ठीक है, और ये पर्सन अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे आपको, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ धोखा हुआ है, किसी ब्रेकअप को फेस कर रहे हैं, या तो निकले हैं वहाँ से, और अभी ये पर्सन अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किए हैं, आपको नहीं बताए हैं कि आपको कितना पसंद करते हैं, तो ये पर्सन आपको बताएंगे, ठीक है। फ्रेंडशिप को ऑफर दे सकते हैं, और अगर इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की है तो आपको बताएंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पर्सन आपके लिए डेफिनेटली स्टैंड लेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस तो आएंगे, बट आपसे फ्रेंडशिप ऑफर करेंगे, आपसे माफ़ी चाहेंगे। क्रिएटिविटी, वाओ, कपल कार्ड, गाइडेंस, तो आपको जो गाइडेंस मिल रहा है वो डेफिनेटली सही है, जो भी आपको गाइडेंस मिल रहा है, ठीक है, जो आप मुझे बताते हो ना, आपको एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं, आपको ड्रीम्स आते हैं, तो प्लीज़ अपने ट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि जो आपको लग रहा है वो सही है, ठीक है, जो आपको लग रहा है वो सही है। क्रिएटिविटी, आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये पर्सन, और अगर ये पर्सन आपके ट्रू डिवाइन काउंट पार्टनर हैं, अगर आपके ट्रू सोलमेट ट्विन फ्लेम है, तो डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेंगे, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, या तो आप या तो आप अपने स्टेबल लाइफ में आओगे, आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होंगे, तब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और आप इस पर्सन को बहुत कुछ सिखा रहे हो, और ये आपसे काफ़ी ज़्यादा लेसन ले रहे हैं, आप इनके लिए एक गुरु की तरह हो। ओके आप क्रिएटिविटी फील्ड से हो सकते हो, या तो ये पर्सन हो सकते हैं। ओके आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो इनकी नज़रों में, और ये आपको खोना नहीं चाहते, तो ये पर्सन ज़रूर आपके लिए स्टैंड लेंगे, बट डिवाइन टाइमिंग पर। जो भी आपको गाइडेंस मिल रहा है वो सही है, इस पर्सन को भी गाइड किया जा रहा है सही रास्ते पर आने के लिए। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना चेंज हो रहे हैं, ठीक है, इनमें चेंजेस देख पा रही हूँ, आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा चेंजेस आएगी। अगर इस पर्सन को कोई रोक रहा है, थर्ड पार्टी तो है, देखिए ये बर्डन में है, जहाँ पर भी है, अगर मैरिज में है, कहीं पर भी है, ये पर्सन खुश तो नहीं है, ठीक है। हो सकता है किसी के दबाव में आकर कहीं और मैरिज कर लिए, या मुझे लग रहा है कि इस पर्सन में ना कॉन्फिडेंस की कमी है, और ये अपना डिसीज़न नहीं ले पाते, इनकी लाइफ का डिसीज़न कोई और लेता है, इनका फैमिली या तो कोई और लेता है। ओके जिसके वजह से ये पर्सन वहाँ पर हैप्पी तो नहीं है, बट स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में चांसेस है कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, आपके लिए एक्शन ले, पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो कुछ लोग के लिए ये पर्सन आपको फ्रेंडशिप को ऑफर करेंगे, कुछ लोग के लिए आपकी लाइफ में आएंगे बट सॉरी कहेंगे, कहने के लिए, ठीक है, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, और कुछ लोग के लिए ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपको कुछ ऑफर करेंगे, मैरिज का हो सकता है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है।
बट अगर इस पर्सन ने धोखा दिया है, थर्ड पार्टी है, तो प्लीज़ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए इनसे। तो गाइस ये रही आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय, लव यू, टेक केयर।